कब्र की पहली रात हो, यह कब्र का पहला दिन होगा जब हम और आप हमारी रूह निकाले जाने के बाद हमारे जिस्म में लौटाई जाएगी। हमें फरिश्ते कब्र में उठा के बिठाएंगे। बिठाने के बाद सबसे पहला सवाल होगा, मर रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? दुनिया में गैरों को दाता माना, दुनिया में गैरों को गरीब नवाज माना, दुनिया में गैरों को मुश्किल कुशा माना, या अली मुश्किल कुशा के नारे लगाए, या गौसे आजम दस्तगीर के नारे लगाए, अल्लाहु अकबर। ऐसे बंदे की हालत भी अल्लाह ने बयान की। और एक वो मुवाहिद था जिसने रब के आगे झुका, जो रब के अलावा किसी की इबादत ना करता, रब के अलावा ना किसी के आगे हाथ उठाता, रब के अलावा ना किसी से दुआएं मांगता, रब के अलावा ना किसी से अपनी शिकायत करता, वो बंदा कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते उसके बाद सवाल करेंगे, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? वो कहेगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछेंगे कि इस शख्स के बारे में तेरी क्या राय है? वो कहेगा ये हमारे दरमियान नबी और रसूल बना करके भेजे गए, नबी और रसूल बना करके भेजे गए। फरिश्ते पूछेंगे तुझे कहां से इस बात का इल्म? और लोगों जो दीन की तालीम से, जो मस्जिद में दीन सीखने नहीं आते, जो अल्लाह के दीन से दूर हो, सुनो फरिश्ते उससे कहेंगे तलौता व डरैता, तूने कुरान की तिलावत की, तूने कुरान को पढ़ा, तूने कुरान को समझा, तूने अहादीसे रसूल पढ़ी, उसको समझा, यही वजह है कि आज तू कब्र के सवालों का जवाब दे लेगा। यार आज बेटा डॉक्टर बने हम खुश होते, बेटा इंजीनियर बने हम खुश होते। आपका इतना बड़ा इलाका है, ये गोलकुंडा धान कोटे का इलाका, आपके हमारे इस इलाके में तकरीबन मैं समझता हूँ 200-400 छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने हैं जिनके बच्चे आज मदरसों में तालीम हासिल करते हैं? कितने हैं जिनके बच्चे आज दीन सीखते हैं? कभी गौर कहेंगे फरिश्ते तूने दीन सीखा, दीन समझा, तूने कब्र के सवालों का जवाब दिया। आसमान से ऐलान किया जाएगा, सदका आबदी, मेरे बंदे ने सच कहा है, ऐसा करो इसके लिए कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दो। अल्लाह, जन्नत का बिछौना बिछा दो, जन्नत की खिड़की खोल दो और इसे सुला दो या रब। और मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और शेयर जरूर करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा।